नमस्कार, डेली डायरी एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। मुंबई की ठाणे पुलिस ने पिछले साल अक्टूबर में ममता कुलकर्णी और ड्रग माफिया विकी गोस्वामी के खिलाफ चौथी बार चार्जशीट दायर की थी। ममता कुलकर्णी और उनके नेशनल डीलर पति विकी गोस्वामी पर 2000 करोड़ रुपए के ड्रग्स रैकेट मामले में तस्करी के आरोप हैं। अब खबर है कि ममता के वर्सोवा स्थित फ्लैट को जब्त किया जाएगा। विकी गोस्वामी ने सोसाइटी को पे करना बंद कर दिया है। उनके फ्लैट को किसी भी समय जब्त किया जा सकता है। इसकी कीमत 20 करोड़ रुपए बताई गई है। बताया जाता है कि आजकल ममता देश के बाहर केन्या में है। रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई के लिए कोर्ट में दूसरी बार भी नहीं आने के बाद स्पेशल कोर्ट के जज एच एम पटवर्धन ने पिछले दिनों मुंबई के अलग अलग इलाकों में कुलकर्णी के 3 आलीशान फ्लैटों को कुर्क करने के आदेश दिए थे। फ्लैट की कीमत 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है।